नमस्कार। आज के वीडियो में फुजी कुराए स्प्लाइसिंग मशीन जो 90S प्लस होता है और सभी टाइप्स के एक ही प्रकार का होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड्स को चेंज कैसे करेंगे और क्यों करेंगे उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको चेंज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम जब स्प्लाइसिंग मशीन खोलते हैं तो उसके डिस्प्ले में यदि ऐसा दिखाता है तो आप बुझिए कि इलेक्ट्रोड्स को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा कारण है कि आपका ये ऊपर जहाँ पर टू लेफ्ट फ्रीजन लिखा हुआ है वहाँ लेफ्ट अथवा राइट लिखा होगा, तो आप बुझिएगा कि इसको इलेक्ट्रोड्स को चेंज करना पड़ेगा। तीसरा कारण है कि आप 5000 से ज़्यादा यदि स्प्लाइसिंग कर चुके हैं तो इलेक्ट्रोड्स को चेंज करना पड़ेगा। और चौथा कारण है कि आप उसको यदि आप फ्यूजन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले नया इलेक्ट्रोड चाहिए, उसके बाद स्ट्रिपर चाहिए, उसके बाद वाइप्स जिसको हम टिश्यू पेपर भी बोलते हैं, और अल्कोहल चाहिए, उसके बाद फाइबर क्लेवर चाहिए, उसके बाद फाइबर वायर चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इस मशीन को ऑन करेंगे, उसके बाद दूसरा में हम क्या करेंगे, तो यदि डिस्प्ले में आ रहा है 90S में डिस्प्ले में ही आता है, कोई की में आता है तो उसको बुक जैसा होता है मेनू बटन, वो खींच के आप जा सकते हैं तो उसको खींचिएगा। तीसरा में आप मेंटेनेंस आइकन्स होता है उसको आप खींचिएगा, उसके बाद आपका रिप्लेस इलेक्ट्रोड्स करना है तो उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका स्प्लाइसिंग मशीन में ही आपका टर्न ऑफ करने के लिए की आएगा, उसको टच करके ऑफ कीजिएगा। यदि की का है तो पावर स्विच को और खींच के आप ऑफ कीजिएगा। यदि 90S है तो आप पावर को खींच के ऑफ मत कीजिएगा। तो उसके बाद हम उस वाइंड को, प्रोटेक्टर वाइंड बोलते हैं जो जिसमें फाइबर होता है, उसको हमको ओपन करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप आराम से खोल सकते हैं। जो उनकी सेकेंड पिक्चर में दिखा रहा है एंटी क्लॉक, आराम से खोलिए, खुल लेगा। तो उसको खोलने के बाद आप क्या कीजिएगा, तो उसको आप निकाल दीजिएगा और आराम से रखिएगा, और उसमें नया इलेक्ट्रोड्स उसमें जहाँ पर है वहाँ पर रख दीजिएगा, और प्लास्टिक सुधे रखिएगा। तो उसके बाद प्लास्टिक को आराम से तान दीजिएगा, रखने के बाद तानिएगा, पहला मत तानिएगा नहीं तो वो डर्टी फोर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे आप निकाले थे वैसे ही उसको रखना पड़ेगा, और उसको अब क्लॉकवाइज घुमा के जैसे निकाले थे वैसे फिर उसको टाइट करके रख दीजिएगा। ये टाइट करेंगे तो सबसे पहले केयर क्या कीजिएगा, तो उसको लेफ्ट राइट नहीं करके पूरा सीधा करके रखिएगा, और उसके बाद वो इंस्टॉल करने के टाइम में आप ऊपर नीचे होता है ना उसको मिला के रखिएगा, ये सब डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसको आप केयरफुली काम कीजिएगा। और उसके बाद आप उसे स्प्लाइसिंग मशीन को ऑन कीजिएगा की खींच के, तो आपका स्प्लाइसिंग मशीन में ऐसा प्रिपेयर एंड लोड लेफ्ट एंड राइट फाइबर्स इनटू द स्प्लाइसर बोलेगा, उस टाइम पर इस फाइबर वायर को आप इस स्प्लाइसिंग मशीन में रखना पड़ेगा, और रख के आप स्टार्ट बटन यहाँ पर राइट में दिखाएगा उसको स्टार्ट बटन खींच दीजिएगा, तो ये अपना काम करने लगेगा।
तो अब पावर कोलिब्रेशन का, पावर कोलिब्रेशन करने के लिए आपका लोगो आएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा तो ये 45-46 तक जाता है, उसके बाद रिटर्न हो जाता है तो आपका काम होने लगेगा। तो उसके बाद आपका पावर गुड पोजीशन गुड लिखेगा ऊपर, तो बुझ जाइए आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोड्स आप चेंज करने का पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ऐसे आप कर सकते हैं। बस थैंक यू।